तो दोस्तों, चाहे आप बैंक की तैयारी करते हो या एसएससी की तैयारी करते हो या रेलवे की तैयारी करते हो या इंडियन एयरफोर्स या अन्य किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, तो आपसे परीक्षा में संख्याओं के इकाई अंक निकालने के लिए जरूर पूछा जाता है। तो इकाई अंक निकालना काफ़ी आसान है क्योंकि मैथ का एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और इसको बनाना काफ़ी आसान है। बस आपको तरीका सीखना है कि कैसे इकाई अंक ज्ञात करना है। और इसके पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। कोई भी संख्या दिया रहेगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, पहले अपने दिमाग में ये बात गांठ बांध लीजिए कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0156 0156 में से कोई भी संख्या अगर आ जाता है और आपसे इकाई अंक निकालने के लिए पूछा जाता है तो इसका मान वही संख्या हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या यहाँ पर दे दिया गया, इसके पावर में यहाँ पर शुरू शुरू में 6 दे दिया गया, इसके पावर में बहुत बड़ी संख्या दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर 6 आया है ना, तो आप आंख बुद्ध को बता सकते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। उसी प्रकार 0156 कोई भी संख्या आ जाए तो आपको बस इकाई अंक क्या बताना है, जो संख्या इकाई स्थान पर है वही बता देना है, आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये ट्रिक सबसे पहले याद रखना है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर कोई संख्या दे दिया गया, इकाई स्थान पर 0 हो गया, अब पावर में चाहे जितना भी संख्या आ जाए, अब पूछा जाए कि इकाई अंक कितना होगा तो इकाई अंक 0 होगा। अब 0156 में से कोई भी संख्या आ जाए इकाई स्थान पर तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 0 ही होगा। अब 0 को छोड़ाकर कोई दूसरी संख्या अगर दिया रहेगा, और जैसे 0156 को छोड़ाकर कोई दूसरी संख्या दिया रहेगा और उसका इकाई अंक आपसे पूछा है कितना होगा, तो निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। संख्या दिया गया है 22 के पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा, तो ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, देखिए क्वेश्चन है 22 के पावर 23 में इकाई अंक कितना होगा ये हमें बताना है। सपोज दैट ये संख्या और 12 होता तभी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या करना है 2 के पावर 23 यहाँ पर लिख लेना है और इसको क्या करना है कि पावर को तोड़ना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 के पावर 4 लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 के पावर, अगर हम यहाँ 5 लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 का 20 और 2 के पावर 3। अब आप पूछेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर 4 × 5 और ये ऐसा क्यों लिखे हैं, ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाता है, 16 हो जाता है और 16 का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो मान के चलिए कि, और यहाँ पर पावर में देखिए 5 का 20 और 3 जोड़ देंगे तो 20 × 23 नहीं हो जाएगा, इसीलिए ऐसा लिख दिए हैं। तो 2 के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, 16, और 6 इसके इकाई स्थान पर आएगा तो 6 के पावर 5 और 2 के पावर 3। तो देखिए 6 के पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 के पावर 5 अभी हम बताए थे कि 6 के पावर में कुछ भी संख्या आ जाए उसका वैल्यू कितना होता है, 6 आता है, और 2 के पावर 3 के वैल्यू कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। तो 8 × 6 कितना होता है, 48, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। आप आसानी से बता सकते हैं इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, 8 होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 के पावर 95 अगर दिया गया तो इसका इकाई अंक कैसे निकालना है। तो 7 के पावर 95 का इकाई अंक निकालने के लिए इसको क्या करेंगे हम, 7 के पावर 4, और देखिए 4 से जब हम 95 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23, ठीक है, 23 × 4 = 92 हो जाता है, और बचेगा जो शेष यहाँ पर लिख देना है 7 के पावर 3। हम 7 के पावर 4 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 7 के पावर 4 का वैल्यू 2401 होता है, इसके इकाई स्थान पर एक आ रहा है ना। अब देखिए 1 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 23 इंटू 7 के पावर 3 हो जाएगा, तो ये तो 1 × 7 इकाई स्थान पर कितना आ गया, 7 आ गया। तो आप किसी भी संख्या को अगर उसके इकाई स्थान पर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि बताइए कितना अंक होगा, तो इसी तरीका से आप भाग देकर आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 6 दे देगा इसकी इकाई अंक पूछा जाएगा, तो इसका इकाई स्थान पर कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। अगर जैसे अब दूसरा हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3 के पावर अब यहाँ पर दे देगा 85, अब पूछा जाए कि इसके इकाई स्थान पर कितना अंक होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 के पावर 4 लिख लेना है, क्योंकि 3 के पावर 4 करने पर हमारा वैल्यू कितना हो जाता है, 81, और 81 का इकाई स्थान पर कितना होता है, 1 होता है। 3 के पावर हम 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 21 लिख देते हैं, 21 × 84 और 84
एक 85 हो जाएगा कि नहीं, तो 3 के पावर 4 का वैल्यू 1 और 1 के पावर 21, तो कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया ना, जैसे 1 के पावर 21 गुना 3 के पावर 1, तो देखिए 1 के पावर 21 का वैल्यू 1 और 3 के पावर 1 का वैल्यू 3, तो कितना आ गया 3, आप देख के आसानी से बता सकते हैं। तो इसका इकाई स्थान पर कितना अंक होगा, 3 होगा। तो आप आसानी से किसी भी संख्या के इकाई स्थान को अगर ज्ञात करना है, पावर में चाहे कितना भी संख्या दिया रहे और आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक कितना होगा, तो आप आसानी से इसी तरीके से भाग दे देकर आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी महत्वपूर्ण वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।